नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीरो पॉइंट में। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित, पीएम मोदी ने दी छात्रों को बधाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बीते शुक्रवार को 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सीबीएसई के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों छात्र रिजल्ट घोषित किए जाने पर काफ़ी खुश हैं। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbserizults.nic.in या फिर cbse.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इनके अलावा स्टूडेंट्स अपना सीबीएसई 12वीं का परिणाम कई दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे digilocker.gov.in, उमंग ऐप्स और SMS के जरिए भी चेक कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस साल के टॉपर की कोई मेरिट लिस्ट की सूची घोषित नहीं की गई है, क्योंकि परीक्षाएँ कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई थी। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विरोध के बीच GST संशोधन विधेयक पारित किया। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2021 को पारित किया गया। इस दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने एक ही दिन विधेयक को पेश करने और पारित किए जाने को लेकर विरोध किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे पेश करते हुए कहा कि इन परिवर्तनों से व्यापारियों के कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। इस विधेयक के जरिए दिल्ली GST कानून में 15 नए संशोधन किए हैं। उन्होंने कहा कि GST एक नया कानून है। प्रियंका गांधी का BJP पर हमला, कहा डबल इंजन की सरकार ने UP को कुपोषण में बनाया नंबर 1। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश में कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद में भाजपा सरकार की मंत्री ने बताया कि देश में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खुद से ही नंबर 1 का खिताब देते रहे हैं और डबल इंजन की धोखाधड़ी करके कुपोषण में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। जावेद अख्तर, शबाना आजमी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर कंगना का आपत्तिजनक कमेंट। पश्चिम बंगाल CM की तुलना राक्षसी तारका से की। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे के दौरान गीतकार जावेद अख्तर और एक्ट्रेस शबाना आजमी से नई दिल्ली में खास मुलाकात की थी। ये मुलाकात करीब 40 मिनटों तक चली थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब कंगना रनौत ने इनकी मुलाकात को स्ट्रेटेजिक मीटिंग बताते हुए लिखा कि कल शबाना आजमी और जावेद अख्तर जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री, जिसे सब तारका राक्षसी के नाम से जानते हैं, के साथ एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग की है, जिसके चलते अब वो धीरे धीरे कई छोटी छोटी मीटिंग्स बाली दाऊद यानी बॉलीवुड माफिया के गली कूचों में आयोजित करेंगे। ये खानों पर दबाव डालेंगे और खान सब बड़े प्रोडक्शन हाउस के जरिए छोटे सभी बड़े कलाकार को अपनी चपेट में ले लेंगे। आगे अपनी पोस्ट में कंगना ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि सब मिलकर तारका को देवी बना देंगे। दिन को रात और रात को दिन दिखाने में तो ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन ये मत भूलना मैं भी सभी देशद्रोहियों को नंगा करूंगी, ज़रा संभल के। तालिबान संग लड़ रहे पाक सेना के अफसर को अफगानिस्तान ने किया ढेर। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एयर स्ट्राइक में सहयोग मिलने से अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने तालिबान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजनी, तखर, कंधार, हेलमंद और बागलान जैसे 20 प्रदेशों में लड़ाई जारी है। लड़ाई में तालिबान के साथ ही कई पाकिस्तानी लड़ाके भी हताहत हुए। अफगान सुरक्षा बलों की तालिबान से लड़ते हुए पाक सेना के एक अधिकारी को भी मार गिराया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने हमले के लिए चेतावनी दी है और अमेरिकी हवाइयों की निंदा की है। भारत चीन विवाद, आज शनिवार को होगी 12वें दौर की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता, इन क्षेत्रों पर हो सकती है चर्चा। भारत और चीन शनिवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की तरफ से मोल्दो के कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता करेंगे, ताकि पूर्वी लद्दाख में अगले चरण की सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंचा जा सके। एक सैन्य सूत्र ने बताया कि ये बातचीत 10:30 बजे शुरू होगी। नवीनतम वार्ता की 3 महीने के अंतराल के बाद होगी। भारतीय सैन्य प्रतिनिधि और अपने समकक्षों से मिलेंगे और 900 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैले हॉट स्प्रिंग, गोगड़ा और देपसांग मैदान जैसे तनाव वाले क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटने पर चर्चा करेंगे। हालांकि देपसांग क्षेत्र में निर्माण को मौजूदा गतिरोध का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, जो पिछले साल मई में शुरू हुआ था। केजरीवाल सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। विधानसभा में प्रस्ताव पारित।
तीनों कृषि कानून के खिलाफ देशभर में करीब एक साल से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान करीब 8 माह से कृषि कानून के खिलाफ डटे हुए हैं। ऐसे में कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार भी किसानों की मांग को लगातार समर्थन करती रही है। ऐसे में एक बार फिर से इन कानूनों को वापस लेने की मांग संबंधी प्रस्ताव संख्या बल के आधार पर दिल्ली विधानसभा में पारित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज शुक्रवार को सदन में आए आम आदमी पार्टी के सदस्य की ओर से चर्चा के लिए लगाए गए विषय पर पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर लिया है। थरूर के बिरला से अपील, बैठक में आने से इनकार करने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई। कांग्रेस नेता और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के प्रमुख शशि थरूर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि समिति की बैठक में शामिल होने से आखिरी मिनट में इनकार करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। थरूर ने कहा कि यह संसदीय विशेषाधिकार का हनन है और सदन की अवमानना है। इसे संसदीय समिति की शक्ति को कमतर किया है। भाजपा सांसदों ने भी इसे शामिल होने से मना किया था। थरूर ने बिरला को लिखे पत्र में कहा कि समिति के बैठक में ठीक पहले मुझे सचिवालय की समिति संबंधी शाखा से सूचना मिली कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी गृह और संचार मंत्रालय और विभाग की ओर से 28 जुलाई की दोपहर ईमेल आया था कि उनके प्रतिनिधि समिति में समक्ष उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। कोरोना संकट, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाई। कोरोना के असर को कई देश प्रदेश में जारी रहने को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ये रोक कार्गो विमान और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की इजाज़त से चल रही स्पेशल फ्लाइट्स के लिए नहीं होगी। DGCA ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सक्षम अथॉरिटी के द्वारा कुछ चुने हुए रूट पर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की इजाज़त पहले की तरह दी जाती रहेगी। गौरतलब है कि दूसरे देशों में फंसे लोगों को भारत लाने या विदेश से विदेशी नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के लिए लगातार विशेष उड़ानें चलाई जा रही हैं। पोर्न के बाद गेमिंग से ठगी का आरोप, राजकुंद्रा पर ऑनलाइन गेमिंग से 3,000 करोड़ रुपए ठगने का आरोप। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा गरीबों को लूटा। सॉफ्ट पोर्न केस में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राजकुंद्रा की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कुंद्रा उनकी कंपनी पर ऑनलाइन गेम जीओडी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कदम ने गैम्बलिंग गेम के जरिए पैसे की उगाही और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर गरीब लोगों के पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया है। शुक्रवार को राम कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि राजकुंद्रा ने इस गेम के प्रचार के लिए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम और उनकी तस्वीरों को इस्तेमाल किया है। कदम ने कहा कि राजकुंद्रा ने ऑनलाइन गेम जीओडी के जरिए धोखाधड़ी की है। आज के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जीरो पॉइंट। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।